बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर 11 नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम उसमें रूट वर्ड करेंगे। अगर आपने कोई कमेंट्स देने हो तो पाकिस्तान होम स्कूल पेज पे कमेंट्स दे सकते हैं। व्हाट आर रूट वर्ड्स? आ रूट वर्ड हैज़ नथिंग एडिट एट द बिगिनिंग आर द एंड। आ रूट वर्ड इज़ अ रियल वर्ड, एक असली लफ्ज होता है एंड यू मेक न्यू वर्ड्स फ्राम इट बाई एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आप उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके नए वर्ड बना सकते हैं, जैसे क्लियर इज़ अ रूट वर्ड और आप इससे अनक्लियर, क्लियरली और क्लियर्ड नए वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह जैसे एक्ट जो है वो रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, आपने री प्रीफिक्स ऐड किया और एंड पे सफिक्स ऐड किया तो ये रिएक्शन बन गया। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में जो हम इतने सवाल करते हैं तो इस सवाल का जवाब भी तैयार करना चाहिए, तुम्हारा रब कौन है, क्योंकि ये सवाल हमें ज़िंदगी की पहली मंजिल पे पूछा जाएगा जब हम दुनिया से जाएंगे। तो आप, हमारे रब ने कुरान मजीद में अपने बारे में बताया है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ और मैं किन चीज़ों से खुश होता हूँ, मेरे बंदे को मुझे कैसे राज़ी करना चाहिए। अल्लाह तो कहता है मेरे से दोस्ती करो। तो प्यारे बच्चों, आज से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें ताकि उस पर गौर व फिक्र कर सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई छोटी छोटी दुआओं को याद करें। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। तो पोलूट, पोलूट वर्ब है, कंटेमिनेट विद हार्मफुल आर पॉइजनस सब्सटेंस, और इसका सेंटेंस है वी ऑट टू डू आवर बेस्ट नॉट टू पोलूट आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने माहौल को पोलूट नहीं करना चाहिए। पोलूशन नाउन है, प्रेजेंस इन आर इंट्रोडक्शन इन टू द एन्वायरमेंट ऑफ आ सब्सटेंस which has harmful or poisonous effects. The level of pollution in the air is rising. Harmful substance की का level air में ज़्यादा हो रहा है, pollution is rising. फिर है polluted, adjective है, contaminated with harmful or poisonous substance. कोई चीज़ जब किसी substance से ख़राब हो जाती है तो उसे contaminated कहते हैं। तो this river is not polluted. आप देखें कि ये लिवर जो रिवर है वो गंदा पानी नहीं है बल्कि बहुत साफ सुथरा है, तो हम कहेंगे दिस रिवर इज नॉट पोलूटेड। फिर है पोलूटर, पोलूटर इज अ नाउन, अ पर्सन आर थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेटिंग द एनवायरनमेंट विद हार्मफुल आर पॉइजनस सब्सटेंस, वो बंदा जो एनवायरनमेंट को खराब करता है। पोलूटर इज अ नाउन, द पोलूटर कंटिन्यू टू पोलूट, पोलूटर जो हैं वो एनवायरनमेंट को गंदा करने का काम करते रहेंगे। पोलूटेंट्स नाउन है, अ सब्सटेंस दैट पोलूट समथिंग, वो मादा जो कि एनवायरनमेंट को, हवा को, पानी को या किसी भी फ़ज़ा को पोलूट करता है, ख़राब करता है, उसे पोलूटेंट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे पोलूटेंट्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ पोलूटेंट और इस पोलूटेंट की वजह से तेजाबी बारिश होती है। फिर है अनपोलूटेड, ये एडजेक्टिव है, नॉट कंटेमिनेटेड विद नॉशियस और पॉइजनस सब्सटेंसेस, अनपोलूटेड जो कि ख़राब ना हुआ हो। आवर ओशंस वर क्लीन एंड अनपोलूटेड, शुरू में समुंदर जो हैं वो अनपोलूटेड और साफ सुथरे होते थे और इंसान ने उनको पोलूट किया। तो आप देखें कि हमने एक पोल्यूट रूट वर्ड से पोलूटेड, पोलूटर, पोलूशन, अनपोलूटेड और पोलूटेंट्स जो हैं वो नए वर्ड्स बनाए। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।